उसने भी वो कैरेक्टर प्ले किया था, मैं भी वो कैरेक्टर ही प्ले कर रही हूँ। बाकी शोज में मैंने शिल्पा को रिप्लेस नहीं किया। छोटी मोटी चीजों की वजह से क्या शो बंद हो जाना चाहिए? नहीं, शुभांगी एक नए अवतार में नजर आएंगी। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत अच्छे इंसान है दोनों ही, रोहित जी एंड आसिफ जी। उनको ऐसा लगता है रियल लाइफ में भी हम लोग एक ही घर में रहते हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग फर्स्ट इंडिया। आसे ही पकड़े हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया। हमारे साथ हैं अंगूरी भाभी और आकाश। क्या कहना चाहेंगे, आपका गाना आ रहा है फर्स्ट डेब्यू में, कैसा फील कर रही हैं आप? वेरी एक्साइटेड, थोड़ा सा लिटिल बिट नर्वस, बट वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी पॉजिटिव, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है और स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है। बहुत डिफरेंट है जो अभी चल रहा है उससे। लोगों को एक नया चीज़ सुनने मिलेगी, बिकॉज बाकी जो डिटेलिंग है वो आकाश बताएंगे, बट मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं क्लासिकल डांसर भी रही हूँ, तो मुझे क्लासिकल से एक पर्सनल रुचि या पर्सनल फेवरेट तो है ही, और उसके साथ फ्यूजन भी है। तो आई थिंक जो बेस्ट चीज़ वो ये है कि सबको पसंद आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स को या सीनियर, किसी भी, मतलब देयर इज़ नो एज का कोई वो नहीं है। फ्रॉम ज़ीरो टू लाइक छोटे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। सो या, वेरी होपफुल एंड एक्साइटेड। आकाश से पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, इनके साथ काम किया, इन्होंने किस तरह का परफॉर्म किया? अभी वैसे तो हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो जो भी है वो घर वाली बात है, लेकिन अभी शूट होना बाकी है और बाकी उसके जो पहले की प्रिपरेशंस हैं वो सारी हो रही है। ऑडियो से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो अभी चल रही है, तो उसमें तो हम हैं ही साथ में, तो शी इज़ ऑफ कोर्स वेरी कोऑपरेटिव और बस साथ में मिलके चल रहा है काम बड़े अच्छे से। अंगूरी भाभी की कितनी झलक रहेगी उस गाने में, रहेगी कुछ नहीं रहेगी? नहीं, शुभांगी शुभांगी रहेंगी उसमें। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ही अंगूरी हूँ यार, इट्स अ पार्ट ऑफ मी। हाँ तो यस, बट अंगूरी लुक नहीं है, इट्स लोगों को एक नया अवतार देखने नया अवतार देखने। अच्छा, आपके हिसाब से कितना प्यार मिलेगा आपके म्यूजिक वीडियो को, क्योंकि आपके कैरेक्टर को जो है काफी ज्यादा प्यार मिला, आप फैन से क्या होप करेंगे? नहीं, मैं जानती हूँ और मतलब मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ बन के आने वाली है, तो आप लोग जितना प्यार आपने आज तक दिखाया है वो उस म्यूज़िक वीडियो पर भी दिखाएं, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव दैट वो सबको पसंद आएगा। गाना बहुत ही खूबसूरत है, उसकी कंपोजिशन बहुत अच्छी है और राग जोग में है वो। सो इट्स अ फ्यूजन सॉन्ग जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को फ्यूज़ करके बना है। अच्छा। तो विरह का सॉन्ग है, एक दर्द है उस सॉन्ग में, और इसीलिए जो अभी बोला कि शुभांगी एक नया अवतार में नजर आएंगी, और दूसरी चीज़ ये मैं ऐड करूँ कि इनके हर अवतार को ना, जितने भी अभी तक रोल्स हुए हैं, पब्लिक ने बहुत प्यार किया है, प्यार दिया है, और आई एम श्योर कि ये भी सबको बहुत पसंद आएगा और सब लोग बहुत प्यार देने वाले हैं। शुभांगी, मैंने सुना आपको बंगाली सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं, आप खुद महाराष्ट्रियन हैं, जिस तरह का कैरेक्टर प्ले किया है आपने वो थोड़ी सी अवधी और भोजपुरी मिक्स है, और फिर बंगाली भी आपको पसंद है, इसका क्या पीछे? नहीं, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। आई एम बेसिकली, आई एम फ्रॉम एमपी, आई एम हिंदी ब्राह्मण, और अवधी तो खैर लिखकर बहुत अच्छा आता है, और ये बचपन से ही मुझे, अगर आप कोई भी एक्सेंट देंगे तो आई कैन कैच एनी एक्सेंट, जो मुझे बहुत मज़ा आता है बोलने में, वो गुजराती हो, वो हरियाणवी हो, या वो लाइक पंजाबी, बंगाली, बट खासकर बंगाली म्यूज़िक मुझे ज़्यादा इसीलिए पसंद है, रविंद्र संगीत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं सुनती हूँ जब मैं अकेले, अकेला चलो रे मेरा, मतलब वो मैं बहुत सुनती हूँ एंड आई कनेक्ट टू दैट सॉन्ग। So, yeah. अच्छा, आपके इंस्टाग्राम पर मैंने कमेंट्स देखी थी, आपको टीज भी किया जाता है कि तिवारी जी का है, विभूति मिश्रा का, इसका क्या रिएक्शन होता है आपका? ये हर जगह तो बेचारों को नहीं, उनकी भी फैमिलीज हैं, थोड़ी ना मेरे साथ हर जगह जा सकते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था तो जिसमें कि उसने
कमेंट किया था कि तिवारी जी कहाँ पर है, हाँ वो तो नहीं दिख रहे वो हर बार ही ऐसा, वो लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों के बारे में पूछते हैं, तो ये तो प्यार है यार लोगों का, उनको ऐसा लगता है रियल लाइफ में भी हम लोग एक ही घर में रहते हैं और दैट इज आवर रियल लाइफ। सो आपको कितने सारे केदार में देखा गया, चिड़ियाघर में भी और भाभी जी घर पे भी, दोनों में भी आपने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया, तो आपको बता दें सिर्फ ये दो शो नहीं किए, मेरा 7th शो है ये, तो बाकी शोज में मैंने शिल्पा को रिप्लेस नहीं किया। हाँ जी, दोनों रिप्लेस किया, तो पहले ही आपको बता दी थी कि मेरे बदले तुम्हें काम करना है? नहीं, आई थिंक कि आई थिंक उसने भी वो कैरेक्टर प्ले किया था, मैं भी वो कैरेक्टर ही प्ले कर रही हूँ, उनको जितने टाइम करना था उन्होंने किया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। शो मस्ट गो ऑन, शो तो बंद नहीं होना चाहिए, इतने लोगों का रोजी रोटी चलता है, या जब कोई इतनी अच्छी चीज़ बनती है तो आपको क्या लगता है कि छोटी मोटी चीज़ों की वजह से क्या शो बंद हो जाना चाहिए? नहीं, है ना, शो मस्ट गो ऑन, लोगों के चेहरों पर स्माइल आती है, तो आई थिंक हमारा काम ये है कि हम अपना काम करते रहें अच्छे से, दैट्स इट। अच्छा, शो में तो अंगूरी भाभी काफी सिंपल नादान सी लग रही है, लेकिन बिहाइंड द सीन अंगूरी कैसी है? बिहाइंड द सीन शुभांगी, अच्छा मैं कैसी हूँ? मेरे बारे में यार मेरे आसपास के लोगों से पूछो, बट आप बता दीजिए कैसी। शुभांगी के अंदर एक ना 15 साल की बच्ची है, सो वो सीरियस भी है, वो क्यूट भी है, वो मतलब ऐसे इधर उधर फुदकते रहने वाली भी है, तो काफी सारे कलर्स हैं इनके अंदर। अभी तक आपको कौन सा बहुत ज्यादा पसंद आता है, कौन सा साइड आपको बहुत अच्छा लगता है इनका? मुझे पसंद आता है जब भी कन्वर्सेशन होती है और जो गहरी बात निकल के आती है ना, जो आपको कभी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगी या नॉर्मल मीटिंग में नहीं पता चल पाता है, बट अगर हम काम के बारे में बातें कर रहे हैं और फिर उन थॉट्स के जरिए जब हम थोड़ी गहराई में जाते हैं, तो मुझे वो जो इनकी जहनियत है वो बहुत पसंद आती है। आगे फ्यूचर में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे खुद को देखना पसंद करती हैं? कितने प्लेटफॉर्म्स हैं? जितने भी अवेलेबल बस है। सब पे मतलब अभी तक तो काफी अच्छा काम किया है, ओटीटी के बारे में क्या सोचती हैं, वेब सीरीज के बारे में? वुड लव टू डू दैट फॉर श्योर, waiting for something good to come. अभी तक क्या ऑफर मिले हैं आपको? हाँ जी। फिर क्या प्लान किया, क्यों नहीं हाँ किया आपने? क्योंकि मैं अभी एक डेली सोप कर रही हूँ और आप सबको पता है कि डेली सोप में बहुत लंबा कमिटमेंट होता है और बहुत ज़्यादा दिन, और लाइक आई एम प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट, तो ऑब्वियसली 20 से 25 दिन हम वहाँ पर बिजी होते हैं, उसके बाद थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, तो होपफुली सून। अच्छा, शो में विभूति नारायण जो है आपको सच में भी छेड़ते हैं क्या? क्योंकि हमने तो आपको यही देखा, वो आपको हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, भाभी जी तो बिहाइंड द सीन भी ऐसे फ्लर्ट करते रहते। वो कैमरे पे बताऊंगी क्या? बता दीजिए, बता सकती हैं? नहीं नहीं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ही इज सुपर सीनियर टू मी एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई अडोर हिम, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। बहुत ही सुलझे हुए और बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों ही, रोहित जी एंड आसिफ जी दोनों ही, और मैं हमेशा उन दोनों को बोलती हूँ मेरे दो अनमोल रतन, और उनके साथ 8 साल से हम लोग हर दिन, मतलब शायद अपने फैमिली का चेहरा हम रोज़ नहीं देख पाते, लेकिन उनके साथ हम पूरा दिन 12-12 घंटे स्पेंड करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, सो इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग बिटवीन अस। होली का त्यौहार आ रहा है काफ़ी अच्छा, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या यूनिक रहेगा इस बार होली में? नहीं, होली हर बार की तरह ही मनाएंगे और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और बस नाच गाना, धमाल, भांग पार्टी।